राम राम सब जनन के हमर राम राम। आज हम का बनातनी अपने रसोई में, आप सब देखी बनाई और इन्जॉय करी। आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स आप सबके लिए बिहार की फेमस डिश लिट्टी और चोखा। फ्रेंड्स ये दाल भी मैंने बनानी है, ये मैंने बैगन भूंज कर रख लिए हैं, और ये है फ्रेंड्स चटनी के लिए आम, और ये मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई है, प्याज लहसुन अदरक मिर्ची और आटा जो कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें मैंने नमक और अजवाइन डाल के रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अजवाइन डालकर इसे क्रश करके डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और इसमें अब मैं डालूँगी रिफाइंड मूँगफली का तेल मैं यूज़ करती हूँ इसमें। अगर आप शुद्धगी डालना चाहते हो तो आप इसमें शुद्धगी भी डाल सकते हो जो कि पौन कटोरी जाएगा। ये पौन कटोरी मैंने रिफाइंड इसमें ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। अब इससे हमारी लिट्टी की भरवे के लिए तैयारी। आटा लग चुका है फ्रेंड्स, और ये दाल का जो ऊपर की गंदगी निकलती है ना, ये फ्रेंड्स मैंने अलग से निकाल दी है। इसमें मैंने डाला है हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दाल की प्रिपरेशन कर ली है, अब इसे कवर कर दूंगी मैं। अब ये देखिए चटनी की तैयारी, एक मिर्ची, दो कलियां लहसुन की और एक प्याज और छोटा सा टुकड़ा अदरक का। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो गुठली है ना, इसे आप निकाल के रख दें अलग, और इससे भी मैं बताऊंगी कि क्या करना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़े से जीरे, और इसमें डालूंगी मैं गुड़, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टी मीठी चटनी ज़्यादा पसंद की जाती है फ्रेंड्स। और अब ये देखिए मेन चीज़ है हमारा सत्तू जो कि फिलिंग में जाएगा फ्रेंड्स। इसकी सारी तैयारी, आम के अचार का मसाला, धनिया पत्ती, 8 से 10 काली मिर्च, मिर्च पाउडर, नमक और साथ में अजवाइन। ये फ्रेंड्स मैंने 3 मध्यम आकार के प्याज ले लिए थे, और इसमें मैंने 2 मिर्च ली है, 5-7 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक, और ये है पाव भर सत्तू। अब इसको धनिया पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसमें थोड़ा सा मैं तेल भी डालूंगी बाद में फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने मसाला ऐड कर दिया इसमें, ये आम के अचार का मैंने मसाला लिया था। अब ये फ्रेंड्स इसमें मैंने ये काली मिर्च जो कि मैंने कूट के ली है, ये देखिए मैंने इसमें दरदरा कूट लिया है इसको, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। कल बारिश हुई तो मुझे लगा कि चलो आज मैं लिट्टी चोखा बनाती हूँ, क्योंकि बारिश में इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। ये लगभग 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच अजवाइन, और ये सरसों का तेल। अगर आप इसमें सरसों का तेल नहीं डालेंगे तो आपको वो टेक्सचर और फ्लेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्तू के मिश्रण में तेल डालना बहुत ज़रूरी है, वो भी सरसों का। ये देखिए फ्रेंड्स 1/2 कटोरी पानी लगभग मैंने इसमें डाल दिया है। हमें इस मिश्रण को ज़्यादा गीला नहीं करना है, ज़्यादा पानी वाला भी नहीं करना है, इसका मिश्रण हमें भुरभुरा बनाना है, क्योंकि जब हम सत्तू भरेंगे ना आटे की लोई में तो हमें बिल्कुल भुरभुरा इसकी फिलिंग चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई अपनी चढ़ा दी है गैस स्टोव के ऊपर। अब ये देखिए सारी लिट्टियों को मैंने भरना शुरू कर दिया है। अब ये सारी लिट्टियाँ मेरी भरने को तैयार हैं, और ये लिट्टियाँ मेरी कढ़ाई में जाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स ये सारी लिट्टियाँ मैंने रेडी करके रखी हुई हैं, और अब ये देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और बिना किसी नमक के, बिना किसी स्टैंड के, ये डायरेक्ट मैं इसके ऊपर रख रही हूँ फ्रेंड्स। ये 1/2 घंटे में ये सारी प्रिपरेशन हो जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कढ़ाई मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, और ये मेरी आज तक कढ़ाई चल रही है, और बेकिंग वगैरह की प्रोसेस या प्रिपरेशन जो भी होती है मैं इसमें ऑलमोस्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है फ्रेंड्स। और अब एक चीज़ और मैं बताने जा रही हूँ, ये है अप्पे मेकर। आप चाहें तो अप्पे मेकर में भी अपनी लिट्टियों को बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये कितनी जल्दी और कितनी आराम से इसमें ये बनेंगी, आप अभी देखेंगे फ्रेंड्स इसको। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने ये डाल दी हैं लिट्टियाँ। अब मैं इसे कवर करके
अब देखिए इसको मैंने पलटना शुरू कर दिया है। ये देखिए बिना सोडे के ही कितनी अच्छी बन रही हैं, ये कितनी फूली फूली, और जब ये घी में जाएंगी ना तब इसका स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसे पलटना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर में कढ़ाई की भी जो लिट्टियाँ हैं ना वो भी मैं चेक कर लूँगी कि वो एक साइड से कैसी पकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी लग रही हैं। देखिए मैंने कढ़ाई की भी ये चेक करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। इसमें इकट्ठी 20-25 लिट्टियाँ आप आराम से बना सकते हैं, है ना कमाल की बात, कि बिना किसी स्टैंड के, बिना किसी कोई नमक के या बिना किसी चीज़ के मैंने इसमें कितनी अच्छी लिट्टियाँ बनाई हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सुनहरी और अच्छी सौंधी सौंधी लिट्टियाँ बनके तैयार होने वाली हैं फ्रेंड्स। अभी आप देखेंगे आगे आगे देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी सिकी हैं ये लिट्टियाँ भी। देखिए मैंने फिर से चेक करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बन रही हैं। और लिट्टी का स्वाद तो इतना सुंदर सुंदर लगता है कि मुँह में पानी ही आ जाता है फ्रेंड्स। बारिश के मौसम में तो लिट्टी चोखा का मज़ा ही दोगुना हो जाता है फ्रेंड्स। दाल तो मैंने इसलिए बनाई ताकि जिसको ना खाना होगा वो दाल में खा लेगा, एक बाटी का भी एहसास दिलाती हैं। और देखिए ये भरते की तैयारी मेरी हो रही है। मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू बॉईल करके लिए थे और 2 बैंगन, मैंने अच्छे बड़े बड़े बैंगन मैंने भूज लिए थे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिर्ची, ये देखिए हरी 2 मिर्ची मैंने इसमें डाली है। और अब मैं इसमें डालूँगी मीडियम साइज़ 2 प्याज काट के और 5-6 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा अदरक जो कि मुझे ग्रेटेड अदरक लेना है। ये देखिए मैंने इसमें ग्रेट करके अदरक डाला हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ऐसा ही मुझे कच्चा रखना है इसे, और थोड़ा सा ऑयल डालना है वो भी सरसों का। जो सरसों का जो फीलिंग आएगी ना ऑयल की वो बहुत ही अच्छी आने वाली है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसे मैं अभी चम्मच से कर रही हूँ, फिर मैं इसे बढ़िया से हाथ से मिला के रख दूँगी। आज मैंने कोई टमाटर भी नहीं लिया फ्रेंड्स। देखिए धनिया पत्ती इसमें ऐड कर दूँगी मैं, और बिना किसी टमाटर के बिना किसी खटाई के ये कितनी अच्छी भरता बन के तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक प्योर बिल्कुल देशी स्टाइल में आज ये भरता आपके लिए तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। ना कोई छौंक, ना कोई बघार, ना कोई तड़का, ये बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक भरता तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अब ये मेरी दाल की तड़के की तैयारी हो रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी लिया और 1 मिर्च का मैंने इसमें तड़का लगाया है, थोड़ी सी राई और जीरा। अब इसमें मैं डालूँगी, इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज काट के रखी हुई थी, इसमें भी 5-6 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। ये देखिए मैं किसके डाल रही हूँ फ्रेंड्स इसमें। ये दाल मेरी ये भी बिना किसी टमाटर के बन के तैयार होने वाली है फ्रेंड्स। ये इतनी अच्छी बनने वाली है दाल कि मैं बता नहीं सकती, आप उंगलियां चाट के रह जाओगे जब आप इसे प्रिपेयर करोगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये दाल का तड़का तैयार हो रहा है प्याज लहसुन अदरक और मिर्च के साथ। थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड की है ताकि कलर अच्छा आ जाए, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तैयारी दाल की हो रही है। जैसे बहुत लोग दाल पसंद करते हैं बाटी के साथ या लिट्टी के साथ, थोड़ी सी हींग भी है मैंने ऐड कर दी है इसमें फ्रेंड्स। हींग से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। ये दाल है मेरी, ये 5 प्रकार की दाल मैंने ली थी और ये 4 लोगों के लिए पर्याप्त दाल है। देखिए मैंने इसमें दाल को ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। अब ये दाल बहुत ही अच्छी, बहुत ही सौंधी और बहुत ही टेस्टी। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने आम की चटनी के लिए आम काटे थे ना, ये आम की गुठलियाँ हैं जो कि मैंने इसमें डाल दी हैं। इससे दाल को एक अच्छी खटास मिलने वाली है फ्रेंड्स। 1-2 बॉयल के बाद मैं उसके आम को निकाल लूँगी जो कि चूस के खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और धनिया पत्ती मैंने डाल के ऐड कर दिया, ये घी। अब ये घी की बारी लिट्टी के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी करारी और सुनहरी लिट्टियाँ तैयार हुई हैं फ्रेंड्स।
मुंह में पानी ही आ गया देखते ही। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी, कितनी सुनहरी और कितनी सौंधी, मज़ा आ गया फ्रेंड्स। कितनी बढ़िया लिट्टियाँ तैयार हुई हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसे घी में डिप करूँगी और देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है।